Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. क्या हाल चाल है आप सभी के 10:15 on the clock और शो स्टार्ट हो चुका है हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी. वैसे देखा जाए तो कभी कभी सफर ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल से. What you see guys? क्योंकि होता ये है कि सफर में ना हम बहुत कुछ सीखते हैं. कभी रास्ता रोके कोई तो हमारी जुर्रत बढ़ जाती है. सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है. अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने की ठान हो तो कीमत बढ़ जाती है. भाई वाह वाह वाह. तो ऐसे में करना यह है कि खुद को पहचाने और अपने आज में खुश रहें. और आज में खुश रहते रहते अपना हाल दिल मुझे बताइए. 666-22-107 इज द नंबर. यहाँ पर आकर आप और हम बातचीत करेंगे. और अभी के लिए हाले दिल बताते हुए हर्षित सक्सेना ऑन द वोकल्स. खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिए ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नासी ऑन FM 107 दिल से देसी. वेलकम बैक गाइस. आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाजी के साथ FM 107 पे दिल से देसी. 10:34 ऑन द क्लॉक. और अब बात करते हैं फिल्म की जिसमें जमकर तारीफ करते दिखाई दिए हैं डायरेक्टर. तो किसकी तारीफ हुई है और पूरी बात करते हैं इन व्हाट्सएप फिल्मी. आओ व्हाट्सएप फिल्मी जिंका चिका जिंका चिका. आओ हाँ जी. तो है ये मामला कि रश्मिका मदाना मिशन मजनू से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं और साथ में उनके होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी. तो प्रोड्यूसर अमर जी ना आजकल रश्मिका की जमकर तारीफ कर रहे हैं. जैसे तारीफ पे तारीफ हो रही वैसे तारीफ पे तारीफ बढ़ती जा रही है. जी हाँ, तारीफ बढ़ा रहे हैं सिद्धार्थ, जो कि डेट्स पे डेट्स आगे बढ़ा रहे हैं. पता नहीं क्या वजह हो सकती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रश्मिका की बहुत ज्यादा तारीफ भी थोड़ा सा अनोइंग तो लगी रही होगी. जबकि रश्मिका को देखा जाए तो वो उन्होंने इस मूवी की पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली है और वो इस मूवी में एक रॉ एजेंट के रोल में नजर आएंगी. चलो जी, ये भी हो गई बात. वहीं बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार नागार्जुना जी की भी, जिनका भी हाल ही में बर्थडे था. और बर्थडे वाले दिन उनकी अपकमिंग मूवी द घोस्ट का फर्स्ट लुक सामने आया. पोस्टर में वो एक बहुत ही खतरनाक से लुक में, बाय द वे रोंगटे खड़े हो जाए कुछ इस तरह से. वो कटप्पा वाली याद आ गई ना, वो तलवार, खून से लथपथ तलवार. और साथ ही घोस्ट फिल्म का जो ओ लेटर है ना, उसमें भी राइफल वाला लुक दिया है. इस दोनों इस पोस्टर से ना एक चीज तो क्लियर हो गई, वो ये कि भाई ये मूवी जो है ना वो एक्शन थ्रिलर मूवी होगी फॉर श्योर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं. लेकिन हाँ, नागार्जुना जी किस रोल में है वो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है. क्या वो ग्रे शेड प्ले करने वाले हैं या फिर वो हीरो के रोल में है, ये क्लियर नहीं हुआ. लेकिन हाँ, एक चीज जो क्लियर हो चुकी है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस मूवी में साथ में नागार्जुना जी के होंगी काजल अग्रवाल. तो चलिए, ये तो बात अभी की हो गई. वापस आकर आपको बताऊंगी कि बॉलीवुड में ना एंट्री के लिए पॉलिटिशियंस भी अपनी कह सकते हैं कि लाइन लगा के खड़े, मतलब उनकी भी ख्वाहिश है कि क्यों नहीं, हम भी पॉलिटिक्स तो चल नहीं रही कुछ खास वास, तो चलो भाई एक्टिंग ही कर लें. वैसे भी देखा जाए तो ये टैलेंट तो इनबॉर्न है मैं कहूंगी पॉलिटिशियंस में, पता नहीं. लेकिन बातों ही बातों में इशारा जरूर हो गया है, बैठे बैठे जीने का सहारा भी हो गया है. तो ये सहारा किसने ढूंढ लिया है, चलिए करते हैं पूरी बात इन टॉक टेक्स. हाय माइक साउंड टॉक टेक्स. किनरे तू डोंडे हास एस्टा हे रिमूवीडो सीलो एंड टेरा एंड नो टे एनकोंट्रे. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी. 10:47 ऑन द क्लॉक. और नहीं समझे जी कि ये गाना किसके लिए मैं गा रही थी, गा नहीं रही थी, बोल रही थी. मैं ऐसी कहां जरूरत कर सकती हूं कि मैं आपके कानों को इतनी ज्यादा तकलीफ दूं गाना गाकर. तो गाना नहीं गा रही थी, लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि देखो जी, इंडियन पॉलिटिशियन, राइटर और फॉर्मर इंटरनेशनल डिप्लोमैट शशि थरूर जी बड़े बेचैन है. जिनकी वही शशि थरूर जी जिनकी इंग्लिश के बारे में आप लोग को पता है, कितनी धासु इंग्लिश बोलते हैं भाई, क्या कहने, एक जबरदस्त इंग्लिश बोलते हैं. और उनकी इंग्लिश को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आज जॉन मिल्टन जिंदा होते तो एक आध किताब इनके नाम तो जरूरी लिख देते, मतलब इनके बारे में जरूर लिखते. वैसे देखा जाए तो कुछ दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म था कि शशि जी शायद पॉलिटिक्स छोड़कर एक्टिंग करेंगे. जिस र्यूमर पर अब फुल एंड फाइनल स्टॉप लगा दिया है शशि जी ने, और बताया है कि उन्हें फिल्मों के ऑफर्स तो आए थे, और साथ ही 2018 के इंटरव्यू का रेफरेंस भी दिया कि भाई सलमान खान की टाइगर सीरीज की जो शूटिंग हो रही है, जिसके बारे में आपको बताया चुकी हूँ कि पूरी टीम जो है ना रशा रवाना हो चुकी है, यानी टाइगर 3. तो उस मूवी के लिए एक रोल, विदेश मंत्री का एक रोल उन्हें ऑफर किया गया था, जिससे शशि जी ने किसी खास दोस्त के खास कहने पर मना कर दिया. देखो जी क्या बात है.
अब तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना. अब ऑल ऑफ सडन शशि जी जो है ना वो बॉलीवुड एक्टर्स को याद कर रहे हैं, उनके जो पिक्चर्स हैं वो मेमोरी सारी शेयर कर रहे हैं, सलमान के हर ट्वीट पर रिएक्ट कर रहे हैं, वहीं अमिताभ जी की जम जम के तारीफ कर रहे हैं. तो इस तरह की हरकतें करेंगे तो लोग कुछ तो बातें करेंगे ही, फिर तो कहेंगे ही. चलो माना कि आप टाइगर 3 में नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टिकट टू बॉलीवुड की तैयारी में आप हैं. वैसे देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी तो कुछ खास बचा नहीं है, और आपके करने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है. देखा जाए आपकी पार्टी और आपके करने के लिए तो कुछ खास बचा नहीं है. तो ऐसे में अगर एक्टिंग कर ली जाए तो कुछ बुरा नहीं है, क्या कहते हैं? FM 107.3 on the clock. और अब बात करते हैं कतर की. तो कतर की प्रिपरेशंस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है फॉर द 5th एडिशन ऑफ कतार इंटरनेशनल हंटिंग एंड द फाल्कन एग्जीबिशन, जहां पर 19 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, जिनमें सऊदी अरेबिया है, सूडान है, कुवैत है, पाकिस्तान है, टर्की है, बेल्जियम है, यूएस, यूके, स्पेन, इटली, एंड द लिस्ट इज ह्यूज. वैसे ये एग्जीबिशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन स्पेशलाइज इन फाल्कन, जहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और साथ ही मौका है नाम जीतने का भी, और मौका है टू इंडल्ज इन फाल्कन ऑक्शन एंड फाल्कन हंटिंग टू. वहीं आपको मैं बताऊं कि दोहा बैंक नेम एज द बेस्ट इस्लामिक डिजिटल बैंक एंड द मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल बैंक इन द कतर फॉर 2021. वाओ, दैट्स ग्रेट. और इस ग्रेट न्यूज के साथ एक ग्रेट इंडिकेशन भी है. जी हां, कतर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर शोड ग्रोथ. PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वॉज एस्टिमेटेड 76%, जिसके मुकाबले इट शोड 94.9%. इस ग्रोथ के साथ कतर का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो और ज्यादा मजीद उसको बूम मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है. यस यस ऑफ कोर्स. इसके अलावा आपको बताएं कि कतर पेट्रोलियम ने अनाउंस कर दिए हैं फ्यूल प्राइसेस फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एंड इट्स स्लाइटली लेस देन कम्पेयर टू द लास्ट मंथ, यानी अगस्त के हिसाब से देखा जाए तो थोड़े से कम है. और एक लीटर पेट्रोल सुपर इज कतरी रियाल 2.05, वहीं प्राइस ऑफ प्रीमियम पेट्रोल फॉर 1 लीटर इज कतरी रियाल 2, वहीं डीजल की जो प्राइस है वो कतरी रियाल 1.85 है. और इसी लेस प्राइस के साथ ये नहीं कि निकल पड़े घूमने. हाँ, घड़ा भरी जाता है, और हाँ निकल रहे हैं तो मास्क लगाना अभी भी लाजमी. ये नहीं समझेगा कि चलो सब कुछ हो गया, अब मजे से आराम से घूमो, प्राइस भी कम हो गई, तो चलो टंकी फुल कराई निकल पड़े, और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही नहीं रखा. ऐसा नहीं करना है, ख्याल रखना है. ऑफ दिस आवर साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने खादिम उल हरमैन से शहजादी जवाहर बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन जलवी आल सऊद की वफात पर ताजियत का इजहार किया है. अमरीकी वजारे दिफा ने अमन की मदद और अफगानिस्तान से सिविल बाशिंदों के इनखला की कतरी कोशिशों पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया है. कतर पेट्रोलियम की जानिब से माह सितंबर 2021 के लिए पेट्रोल की कीमतों का ऐलान कर दिया गया है. मजलिस शूरा के इंतखाबात के उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तों पर एतराजात और शिकायात का मरहला कल जुमेरात के रोज तक जारी रहेगा. अफगानिस्तान से आखिरी अमरीकी फौजी के निकल जाने के बाद अफगान खुशियां मना रहे हैं, और सदर बाइडन ने कहा है कि इनखला ही बेहतरीन फैसला था. आपने सुना न्यूज हेडलाइंस ऑफ दिस आवर ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. लाइट्स कैमरा एक्शन. वेल, आखिर से शुरू. वेल, वेलकम बैक गाइस. आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:12 ऑन द क्लॉक. और आखिर से शुरू में आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जो कि ट्विस्ट और टर्न से भर कर थी. यानी रेस कोई भी क्यों ना हो, जीतता वही है जो जीतने के लिए खेलता है, दूसरों को हराने वाला अक्सर खुद ही हार जाता है. तो भाई हार जीत सिर्फ पैसों की नहीं होती, इन्हें हरा ले कोई इनकी जान भी ले ले मंजूर है, लेकिन धोखा देने वाले को ये दोबारा मौका नहीं देते. जी हाँ, तब क्या जब इनका छोटा भाई इन्हें धोखा देता है. तो होता यूँ है कि आखिरी कार रेस होती है जहाँ ये छोटा भाई एक बार फिर धोखे से रेस जीतना चाहता है, बड़े भैया की गाड़ी के ब्रेक्स खराब करके, जिस पर बड़े भैया भी कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में बॉम्ब फिट है, यानी स्पीड 100 से कम हुई, तुमने ब्रेक लगाया और गाड़ी
उड़ गई। तो भाई मैं ब्रेक लगा नहीं सकता और अगर तुमने लगाया तो तुम भी गए। तो आखिर में होता यूं है कि छोटा भाई जो है ना उसकी कार की एक्सीडेंट होती है, डेथ हो जाती है, वो और उसकी फ्रेंड दोनों मर जाते हैं लास्ट में। तो ये तो एंड दिखाया जाता है कि कैसे दो भाइयों के बीच जो है ना वो पैसा और शोहरत उनकी बीच में नफरत पैदा कर देते हैं। वही मूवी की शुरुआत होती है आरडी यानी रॉबर्ट डी कॉस्टा के वॉइस ओवर के साथ, जो कि चार मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून जिसकी हॉर्स रेसिंग कंपनी है डर्बन में, और दूसरा जो भाई है वो एल्कोहलिक है, और तीसरा कैरेक्टर जो है वो शेडी पास वाली मॉडल का है, और चौथा कैरेक्टर जो था वो था एक असिस्टेंट और सेक्रेटरी सूफिया का। तो देखा जाए मूवी जो है ना वो इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम हासिल करने के लालच पर फर्दर बढ़ती है, जहां कौन कैसे क्या करता है ये तो लास्ट में ही पता चलता है। वेल देखा जाए तो छोटा भाई जो है ना वो बड़े भाई का मर्डर भी प्लान करता है, जिस पर बड़े भैया दुगनी अकल लगाकर उसको डच करते हैं। तो यही सारी चाल चालाकियां आपको दिखेगी, मतलब इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि देखने वाले को मजा ही आ जाए। और अगर आपने देखी है मूवी तो अगर आपको समझ में भी आ गया कि मूवी है कौन सी, तो 666-222-107 इज द नंबर। दिल से देसी, और हमारे पास जो है ना मैसेजेस आपके आ रहे हैं। वही मोहम्मद यूसुफ जी कहते हैं कि आज उनसे ये वाला सेगमेंट मिस हो गया, हालांकि ये सेगमेंट्स कह रहे हैं मेरे बहुत फेवरेट हैं। नेवर माइंड जी, कल हम फिर आपके साथ खेलेंगे, कल हमारी और आपकी हो सकता है बात हो जाए। और मैसेज हमें किया समुबीन बुखारी जी ने, वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच। तैयब कयानी जी हमें सुन रहे हैं और आपने कहा मैम कोई जवाब नहीं, अच्छा ओके वॉइस नोट है, चलो जी मैं पहले सुनती हूँ फिर मैं जवाब जरूर दूंगी आपको। अच्छा हमें मैसेज करते हैं अनवर जी कहते हैं मोहब्बत का रिश्ता दिल से होता है, सूरत से नहीं, रहते हैं जो दिल में कभी दिल से दूर नहीं होते। आय हाय क्या बात हो गई। इसके साथ हमें मैसेज है सैयद खादिम हुसैन जी का, थैंक यू सो मच भाई और बहुत बहुत शुक्रिया, और एक सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट है फॉर श्योर आपके लिए, जरूर आगे पीछे हम चलाएंगे। अच्छा जी इसके साथ हमें जो है मैसेज किया है हुसैन जी ने, और हमें सऊदी अरेबिया से सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि मैम ये वाला सेगमेंट जो आपका है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और नंबर आपने पूछा है कैसे आपसे बात हो सकती है। ओहो कैसे हमारी आपकी बात हो, इंटरनेशनल बात थोड़ी सी आपको भी महंगी ना पड़ जाए। चलिए मैसेजेस आप वॉइस नोट मुझे जरूर कर सकते हैं, तो वो हम जो है आपके लिए प्ले कर देंगे। और अभी के लिए क्या प्ले करने वाली हूँ बताऊँ आपको, भी जी हैं और मनाजर जी हैं, अब्दुल अजीज हैं, मिस्टर परदेसी, आफ्ताब शाह, समुबीन बुखारी जी, जानी मोहम्मद जी, एमडी जुबैर, विक्रांत चौधरी, मोहम्मद इलियास, बिल्किस, रिहान अब्बास और रहीम शेख। पैगाम अल्लाह सुबहाना ताला को बंदों का दुआ करना बहुत पसंद है। इस दुनिया में अगर किसी शख्स से बार बार कुछ मांगा जाए तो खा वो कितना बड़ा सखी हो बिलाखिर उकता कर नाराज हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का मामला यह है कि उससे इंसान जितना ज्यादा मांगेगा अल्लाह ताला उससे उतना ही ज्यादा खुश होगा। बल्कि हदीस में है कि जो शख्स अल्लाह ताला से मांगता नहीं उससे अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। हमें इस बात की आदत डालनी चाहिए कि हम अपनी छोटी से छोटी हाजत भी अल्लाह ताला से मांगे। बंदे को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह ताला को पुकारे, चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए हर वक्त कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से मांगता रहे। आदत डालकर देखिए, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। पैगाम ऑन FM 107। जैसे कि इस वक्त जानना बहुत जरूरी है कि जो मैंने आपको स्टोरी नरेट की थी तो वो सही जवाब क्या है, मतलब सही मूवी कौन सी है। तो ये जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए कॉलर। हेलो हेलो, हाय नाजिया, हाय हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? इट्स रियली सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज़ यू कॉल मी। यस यस, सिंस आपने सबसे पहले जवाब दिया तो हमारा बनता है कि हम आपको कॉल करें और आपसे बात करें। अच्छा तो यहाँ पर मुझे पता है कि आप बिजी हैं, बहुत टाइम मैं आपका नहीं लूंगी, झटपट से आपसे पूछूंगी तो आज की मूवी का नाम क्या है? दिस इज माय फेवरेट मूवी रेस। ओह दैट्स राइट, और कितनी बार देखी है मूवी? मैं ये बहुत बार देखा था, सिनेमा जाने के अलाउड नहीं था, मेरा घर पे सीडी था उस टाइम में, मेरे पास वो सीडी कैसे था उसमें बहुत बार देखा है। और जो गाना है तो जो हाँ वो अतीब असलम का जो गाना है ना पहली नजर में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत पसंद है। ओके ओके ओके, अच्छा थोड़ा सा पूछूं कि ये मूवी किसने डायरेक्ट की थी, कुछ ऐसे आइडिया है कि भाई फेवरेट डायरेक्टर थे आपके या उनका डायरेक्शन आपको बहुत पसंद है, उनका नाम अगर आपको याद हो तो? अब्बास मस्तान ने किया था।
हाँ, क्या बात है, शायद नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और बिल्कुल सही बताया कि अब्बास मस्तान जी ने ही डायरेक्ट की थी मूवी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने का, अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट में आपका फेवरेट सॉन्ग, आई मीन ये सबका फेवरेट है, हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे रेस मूवी से आतिफ असलम की आवाज में अब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग योर वे। लाइट्स ऑफ दिस आर। फीफा 2022 वर्ल्ड कप के यूरोपियन क्वालिफायर्स में मौजूदा एशियन चैंपियन कतर आज सर्बिया के खिलाफ मुकाबला करेगा। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चौथा टेस्ट मैच कल से ओवल में शुरू हो रहा है। साउथ अफ्रीका के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले डेल स्टेन ने मंगल के रोज क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का होम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग गेम कल दोहा के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कतरी फुटबॉलर अहमद यासिर ने अल दोहेल क्लब से 3 साल के एग्रीमेंट पर अल रयान स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया है। आपने सुना स्पोर्ट्स हेडलाइंस ऑफ दिस आवर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लाइट्स कैमरा एक्शन। इरशाद #फिल्मी है विद आरजे नाजिया ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। 12:09 ऑन द क्लॉक और आज बात चल रही है मूवी रेस की। देखा जाए तो 2008 की अब्बास मस्तान के डायरेक्शन वाली मूवी जिसमें अनिल कपूर थे, सैफ अली खान थे, अक्षय थे, बिपाशा थी, कैटरीना थी, समीरा रेड्डी नजर आई थी। वैसे म्यूजिक जो था वो प्रीतम दा का था और देखा जाए तो म्यूजिक के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर की भी जमकर तारीफ हुई थी और बैकग्राउंड स्कोर दिया था सलीम सुलेमान की जोड़ी जी ने। वैसे देखा जाए तो मूवी जो थी ना वो उस साल की यानी 2008 की एक सुपर डुपर हिट मूवी थी। ऐसी मूवी थी जैसे देखकर ना वो वाली फीलिंग आ रही थी जब बाजीगर देखी थी, जब हम लोगों ने देखा और कहा था अच्छा शाहरुख ने किया, ऐसे ही कुछ ट्विस्ट एंड टर्न इस मूवी में भी था और कुछ वैसी मिक्स्ड फीलिंग भी थी। वैसे मूवी जो थी वो 1998 की हॉलीवुड फिल्म गुड बाय लवर से इंस्पायर्ड थी। देखा जाए तो पहले जो रणवीर का रोल था वो अक्षय को और राजीव वाला रोल सैफ को दिया गया था, जिस पर दोनों ने ही स्ट्रेट वे रोल्स को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। फिर ये रोल पहुंचा जॉन और अक्षय के पास, उन्होंने भी मना कर दिया। देन प्रोड्यूसर रमेश तौरानी जी वापस उन्होंने काम किया स्क्रिप्ट पर और कुछ चेंजेस किए, ये यूं कहें कि रोल्स को स्वैप किया एंड देन पहुंचे सैफ और अक्षय के पास। सैफ को इस बार ये बिजनेस टाइकून वाला रोल बहुत पसंद आया, उन्होंने झट से हाँ बोल दी। वहीं अक्षय जो थे वो थोड़े कन्विंस नहीं थे, जिसके लिए अपने झकास मैन अनिल कपूर जी को लेके गए रमेश जी उनके घर, कई सिटिंग्स हुई और बाकायदा अनिल जी ने समझाया कि याद करो हमराज में जो तुमने नेगेटिव रोल किया था ना, कितना पसंद किया था लोगों ने। जब ये सारा कुछ उन्हें याद दिलाया समझाया गया तो फाइनली अक्षय जी ने हाँ ही बोली। मुझे तो ऐसा लगता है अक्षय ना बोलने का भी क्या चांस है आपके पास। चलो जी खैर, इस मूवी में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट चॉइस अब्बास मस्तान जी की जो थी वो थे शाहरुख खान जी और वो शाहरुख को ही हमेशा से सैफ वाले रोल में लेना चाहते थे। लेकिन हुआ यूं था कि शाहरुख खान जो थे वो डॉन के साथ बिजी थे, यानी डॉन के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में बिजी थे। उन्होंने कहा भी अब्बास जी से कि इसको क्या हम थोड़ा सा डिले कर लें, यानी आगे बढ़ा दें, यानी एक साल अगर इसे डिले कर लें तो मैं करने के लिए हूं तैयार। लेकिन अब्बास मस्तान जी ने मूड बना लिया तो उनका नाना डिले तो नहीं करेंगे हम, सो दे मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गए। तो देखा जाए ये मूवी जो थी सैफ की एक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से है और मैं भी अगर सीरियसली अपनी बात करूं तो मैं कहूंगी फॉर श्योर मुझे इस मूवी में सैफ की एक्टिंग वाज लाइक थासू एक्टिंग थी, क्या क्या एंड द लुक, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इनको सीरियसली लिया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। और हाँ, रेस 2 आई, फिर रेस 3 आई और अब खबर यह है कि रेस 4 भी आ रही है और रेस 4 में होंगे शाहरुख खान, सैफ और जॉन, यानी जो कमी रह गई थी वो पूरी होने वाली है रेस 4 के साथ। और अभी के लिए नाजे के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:30 ऑन द क्लॉक और झटपट से मौसम का हालचाल आपको बता दें। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम है 43, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 40%। वहीं वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर अगेन 43 विद मिनिमम 30 एंड ह्यूमिडिटी हियर 51%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 41%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर 50%। एंड एज यू नो कि वेदर के बाद हम कहां जाते हैं, कैच अवे की तरफ।
आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ है 107 पे दिल से देसी। और अभी पता है बड़ी मजेदार से न्यूज जो है ना मेरी आंखों से गुजरी है, मुझसे शादी करोगी का जो सॉन्ग चल रहा था ना जीने के हैं चार दिन, तो भाई इस सॉन्ग में इस्तेमाल किया था सलमान खान ने, अगर आपको याद हो, एक टॉवल। तो वो टॉवल उसकी अभी अभी नीलामी हुई है, मतलब कुछ टाइम पहले नीलामी हुई है, और कैन यू बिलीव वो टॉवल कितने में बिकी है, फाइनल प्राइस उसकी क्या लगी। ओहो, मुझे तो सोच कर रोना आ रहा है कि लोगों के पास कितना फालतू पैसा है भाई वेस्ट करने के लिए। 182,000 टॉवल, सोचो ऐसा क्या था, क्या था सीरियसली। वो लोग कहाँ हैं जो इस तरह से पैसे वेस्ट करते हैं। इससे तो कितना अच्छा है कि आप किसी को दे दो, किसी की हेल्प कर दो, वो वैसे ही टॉवल नहीं, कुछ अपने के अच्छे कपड़े खरीद लो, कुछ और चीजें ले लें। और सबसे बड़ी बात, आपको जो देगा वो है ढेरों दुआएं, वो आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलेगी। अब क्या करेंगे इस टॉवल को, क्या फ्रेम करेंगे, टांगेंगे, क्या करेंगे, आई डोंट नो गाइस। लेकिन चलो भाई, ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं इस लेवल तक, उनका जुनून होता है एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को लेकर उनका प्यार होता है, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, काफी मैसेजेस जो है वो मेरे पास आ चुके हैं, जो लोग तो सॉन्ग तो सही गेस नहीं कर पाए, बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी जवाब सही नहीं है। तो चलो एक बार फिर से आपको ये प्रिल्यूड सुनवाते हैं, तो एक बार और हो जाए। तो ये शादियों में ना जम के प्ले होता है, और अभी के लिए क्या प्ले करने वाली हूँ, फिर से सोचिए, जवाब सही नहीं है। वेलकम बैक गाइस, गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम की कमी होती है, अक्सर होती है। देखो जी, आज मैंने एक छोटा सा आपके लिए प्रिल्यूड प्ले किया और पूछा कि सही जवाब बताइए, तो कुछ दो चार लोग ही सही जवाब दे पाए, जिसमें यूसुफ का नाम लिया, वहीं रियाज जी हैं उन्होंने सही जवाब दिया, मोहम्मद मोइन जी ने सही जवाब दिया, बाकी बहुत सारे लोग वापस से पूछ रहे हैं मैडम प्रिल्यूड बताइए, लेकिन अब प्ले वे करने का टाइम तो है नहीं। तो ये जो प्रिल्यूड मैंने आपके लिए किया था प्ले, वो था मूवी तानू वेड्स मानू से, मीका सिंह की दमदार आवाज में सॉन्ग था जुगनी, जो कि नेक्स्ट में आप लोगों के लिए प्ले करने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज है 1st of September, कितनी जल्दी बता रही हूं डेट। देखो जी, आज है ना 1st of September, और आज है बर्थडे राम कपूर जी का, आमिर अली जी का, निशान मलकानी जी का, राकेश विशिष्ट का, और साथ ही है दीपक डोबरियाल का। जी हाँ, वही दीपक जिन्होंने ओमकारा, शौर्य, तनु एड्स मानु रिटर्न्स, फिर प्रेम रतन धन पायो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इन सारी मूवीज में दमदार एक्टिंग की। वैसे देखा जाए तो बंदे का ताल्लुक उत्तराखंड से था, और पेरेंट्स की ख्वाहिश ये थी कि बेटा खूब नाम कमाए, यू थिएटर्स करके पैसे ना गवाए, तो बचपन से ही एक्टिंग का शौक तो था, लेकिन ये शौक पेरेंट्स को शौक में ले गया, और वो लिटरली उन्होंने सोचा कि भैया अब कुछ होने वाला तो है नहीं, तो चलो क्यों ना दिल्ली मूव कर जाएं। तो उत्तराखंड से पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई, और दिल्ली में बाकायदा इनकी मुलाकात हुई, यानी दीपक जी की मुलाकात हुई एक एविएशन के बंदे से, और फिर क्या था भैया, सफर शुरू हो गया मुंबई का, और फिर आज भी जारी है। तो देखा जाए, आज दीपक का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो भाई एक सॉन्ग तो बनता ही है ना। सॉन्ग के साथ अब वक्त आपसे इजाजत का इस वादे के साथ कि कल सुबह 10 बजे डॉट हमारी मुलाकात होगी इसी शो में, जिसका नाम है #फिल्मी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107। खुदा हाफिज़।